हाय गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, यह है सौरभ डॉग चैनल, आपका अपना चैनल। तो आज आप देख रहे हैं जर्मन शेफर्ड स्पेशल एडिशन। ये सिम्बा है, इनसे आप लोग पहले भी हमारे वीडियोस में मिल चुके थे जब ये 10-11 महीने के थे। आज सिम्बा काफ़ी अच्छे बड़े तंदुरुस्त हो गए हैं। कैमरामैन घुमा के दिखा दीजिए, क्योंकि सिम्बा का मूड इधर बैठने का, तो इधर ही बैठेगा। मैं सिम्बा की तरफ शिफ्ट हो जा रहा हूँ। सिम्बा, और ये देखिए एक छोटा पपी है, ठीक है। हमारे पास टोटल 6 मेल 4 फीमेल, यानी कि 10 बच्चे हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल जब ये बड़े होंगे तो हूबहू एकदम सिम्बा की तरह बनेंगे। तो ये होता है जर्मन शेफर्ड प्रॉपर वुली कोट या लॉन्ग कोट, आप जिनको कहिए, ठीक है। जिन भी लोगों के यहाँ एसी या कूलर की सुविधा नहीं है, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लॉन्ग कोट या डबल कोट रखें। आप सिंगल कोट रखें, मीडियम कोट रखें, दैट वुड बी प्रेफरेबल ब्रीड फॉर यू। जर्मन शेफर्ड की एक खास बात होती है, और मुझे शुरू से ही खड़े कान वाले डॉग पसंद है, लाइक साइबेरियन हस्की, जर्मन शेफर्ड, या डॉबरमैन क्रॉपिंग करके, या ग्रेडियन क्रॉपिंग करके। झुके हुए कान वाले मुझे बहुत कम पसंद आते हैं, इनका एक रॉयल लुक आता है। सिम्बा की जो अभी फुल एज है 18 मंथ है अप्रॉक्सीमेटली, और 2 साल है ना, दो साल के हो गए हैं सिम्बा। और सिम्बा भी काफ़ी बीमार हो गए थे, फिर ठीक हुए। स्पाइनल इन्फेक्शन हो गया था सिम्बा को, और जिसकी वजह से डेली इनको फीवर आ जाया करता था। तो बहुत 1 महीने की मशक्कत के बाद, ट्रीटमेंट के बाद सिम्बा ठीक हुए हैं। बहुत ही शानदार डॉग है, और इस तरीके के पपीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं जर्मन शेफर्ड में लॉन्ग कोट के। ये आप देखिए, प्रॉपर एंगुलेशन वाले पपीज़ हैं, बच्चे ऐसे दिखाइए, ये देखिए, ठीक है। ही विल लुक लाइक दिस जब ये खड़े, जब इसके कान खड़े हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा होगा, है ना, बिल्कुल प्यारा सा, सुंदर सा, शानदार सा। तो आप में से जो भी लोग जर्मन शेफर्ड लेना चाहते हैं, हाँ, तो वो जल्दी जल्दी से कॉल कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों अवेलेबल हैं, और बाकी डॉग्स की तुलना में जर्मन शेफर्ड को रखना ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये सेल्फ ट्रेंडेबल ब्रीड है। जर्मनी में, जर्मन आर्मी में रॉटवाइलर और जर्मन शेफर्ड ही होते हैं। भारतवर्ष में आरपीएफ, आपका आर्मी, पुलिस विभाग, बॉम्ब स्क्वाड, है ना, इन सारे विभागों में आपको जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर ही मिलते हैं। मोस्टली जर्मन शेफर्ड ही स्निफर डॉग के रूप में इस्तेमाल होते हैं, चाहे बॉम्ब सूंघना हो, चाहे ब्लड का पता लगाना हो सूंघ करके, चाहे कोई भी एक्स वाई ज़ेड। तो जर्मन शेफर्ड की स्निफिंग पावर सबसे ज़बरदस्त और सबसे लाजवाब होती है। अब अगर हम इस पपी की बात करें, ये बच्चा 45 डेज़ का है, पपी डीपी वाला वैक्सीनेशन लग चुका है, 1 महीने बाद इनको 7-in-1 का वैक्सीन लगेगा। सेफ एंड साउंड, नीट एंड क्लीन तरीके से आपको हैंड ओवर मिलता है, विथ सर्टिफिकेट, विथ वैक्सीनेशन लाइसेंस, विथ बर्थ सर्टिफिकेट एंड ब्रीड सर्टिफिकेट ऑल्सो। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको हैंड टू हैंड मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू वॉन्ट माइक्रोचिप, तो माइक्रोचिप भी हमारे पास अवेलेबल है, 1500 रुपये में अलग से माइक्रोचिप मिलता है, जो आप अपने डॉग में लगा करके एक उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि फ़ैन ऑफ है, पीली लाइट जल रही है, दोनों को गर्मी लग रही है। तो वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।